हम घाटी के युवाओं को मान्यवर गले लगाना चाहते हैं, उसको एक अच्छा भविष्य देना चाहते हैं, अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा देना चाहते हैं, वहां इंडस्ट्री लगेगी उसको रोजगार मिलेगा, वहां टूरिस्ट जाएंगे उसको रोजगार मिलेगा, उसको संपन्न बनाना चाहते हैं। बाकी भारत के अंदर जिस प्रकार से विकास हुआ है उसी तरह से कश्मीर के अंदर विकास हो, इसके लिए ये 370 का ऑब्स्टेकल निकालना जरूरी है। और मैं आज भी कहना चाहता हूं मान्यवर, आज भी कहना चाहता हूं कि जवाहरलाल नेहरू जी ने भी कहा था कि 370 चिंता मत करो, घिसते घिसते घिस जाएगी, मगर 370 को इतने जतन से संभाल कर रखा, 70 साल हुए घिसी नहीं। और आप मुझे बताइए, ये टेम्पररी प्रोविजन है, सब स्वीकार करते हैं, टेम्पररी शब्द 70 साल तक चल सकता है क्या? कब जाएगा, कैसे जाएगा ये टेम्पररी प्रोविजन को, कब तक चलाना है? और आप कह रहे हो, कुछ सदस्यों ने कह दिया कि सरदार पटेल जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान को देना चाहते थे। मेरा तो आग्रह है मान्यवर, इस प्रकार की बातों को आपने रिकॉर्ड पर से दूर कर लेना चाहिए, इसका संज्ञान लेना चाहिए। सरदार पटेल ने देश के अंदर 650 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर अखंड भारत बनाने का प्रयास, और आप कह रहे हो कि वो जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान को देना चाहते। मैं रिकॉर्ड साफ कर दूं, जम्मू कश्मीर को कभी सरदार पटेल ने डील नहीं किया था, सरदार पटेल ने डील किया जूनागढ़ को, आज भारत में है विदाउट 370 है, डील किया हैदराबाद को, भारत में है विदाउट 370 है, जम्मू कश्मीर को डील किया पंडित नेहरू ने और विद 370 है, और आज हम भी कर रहे हैं। नहीं, सरदार पटेल के पास ये मसला था ही नहीं, मैं मेरे मंत्रालय की फाइल 306-01 हमने में आहिंगर और सरदार पटेल बराबर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं, मैं 370 की बात नहीं कर रहा, एक विषय मान्यवर मैं स्पष्टता कर दूं फिर से, गुलाम नबी आजाद ध्यान से सुनते नहीं है, शायद वो रीथिंकिंग करे मेरी बात सुनकर के 370 के पक्ष में वोट डालना, इसलिए ध्यान से सुन नहीं रहे। मान्यवर मैं बताता हूं आपको कि मैंने ये नहीं कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने किसने क्या कहा, ये मामले को कौन देख रहा था, इसमें कहीं सरदार पटेल साहब का जिक्र ही नहीं है, दखल भी नहीं, और मैं बताता हूं मगर रखो जरा भी दखल नहीं। जब पंडित नेहरू अमेरिका में थे और ये 370 मैं 370 की बात नहीं कर रहा, 370 डिस्कस अभी भी आप समझ रहे हैं, और सरदार पटेल और मौलाना आजाद 370 के बारे में नहीं, मैं 370 के बारे में कह ही नहीं रहा, भारतीय संघ के साथ संधि के बारे में कह रहा हूं, इसमें कहीं भी और भी सरदार पटेल नहीं थे। मान्यवर मेरा विनम्रता से कहना है कि 370 है आतंकवाद की जनक है, इसलिए 370 का जाने का समय आ गया है, और अगर आज 370 नहीं जाती है तो आतंकवाद को हम जम्मू कश्मीर से नाबूद नहीं कर पाएंगे।